तो क्वेश्चन है, ए फिश राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स दैट ए बर्ड इज ड्राइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द फिश विद ए वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, देन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द डाइविंग बर्ड टू पिक द फिश इज। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। इसमें कह रहा है कि एक फिश जो है वो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक पॉन्ड मान लेते हैं कहीं पे, या ये मान लीजिए एक तालाब है और इसमें एक फिश है, ये मान लेते हैं फिश जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। और कितने के स्पीड से जा रहा है ये? तो 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो 8 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में? तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। दूसरा, ऑब्जर्व्स, कौन ऑब्जर्व कर रहा है? तो ये फिश ऑब्जर्व कर रहा है दैट ए बर्ड इज ड्राइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द फिश विद द वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। तो एक बर्ड है जो कि किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ, इस फिश को कैच करने के लिए। और ये देख कौन रहा है? तो ये फिश देख रहा है। वर्टिकली डाउनवर्ड विद टुवर्ड्स द फिश विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। और फिश को ये कितने स्पीड से आता हुआ दिखता है? तो ये दिखता है 12 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ। ध्यान रखिए, ये फिश देख रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये फिश के रेस्पेक्ट में 12 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, तो म्यू दिया है 4/3 वाटर का, देन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ डाइविंग बर्ड। तो एक्चुअल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमको पता करना है। और ये जो 12 मीटर पर सेकेंड है वो क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, ये दिया है 12 मीटर पर सेकेंड। एंड ये क्या दिया है? तो ये है वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं कि वाई, ये जो वाई है ये फिश का सरफेस से डिस्टेंस है, रियल डिस्टेंस। और ये जो वाई डैश है वो सरफेस से, वाटर सरफेस से इस बर्ड का रियल डिस्टेंस है। लेकिन इस फिश को बर्ड एपरेंट डेप्थ में दिखेगा ना, रियल तो दिखेगा नहीं, तो एपरेंट डेप्थ में कुछ दिखेगा। हम ये पता करना चाहते हैं कि कितना एपरेंट डेप्थ उसको दिखेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ इक्वल टू μ2/μ1। अब यहाँ से देखना है कि μ2 किसको लेंगे और μ1 किसको रखेंगे। तो मछली देख रहा है ना, फिश देख रहा है, तो मतलब बर्ड से लाइट निकलेगा और फिश के तरफ आएगा, तो μ1 मतलब लाइट इसे निकल रहा है तो इसको बोलेंगे μ1, और नीचे वाले यानी इसको बोलेंगे μ2, ठीक। तो μ2/μ1 मतलब μ2 हो गया कितना? 4/3, और μ1 कितना हो गया? एयर है यानी 1, ठीक। और एपरेंट डेप्थ जो कि फिश देखेगा, तो एपरेंट डेप्थ इक्वल टू हो गया 4/3 × रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितना है? रियल डेप्थ है हमारे पास ये, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, इसका ये रियल डेप्थ हो गया। और रियल डेप्थ कितना माना था हमने? वाई डैश। ओके, तो एपरेंट डेप्थ इक्वल टू हो गया 4/3 y डैश। अब ये मतलब मछली जो है, मछली से लेकर के इसका जो बर्ड का जो इमेज बनेगा, मतलब बर्ड का इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, या फिर इसको और ऊपर दिखेगा ना, चलो ऊपर दिखेगा कहीं और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस जो कि मछली को दिखेगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये टोटल डिस्टेंस होगा हमारे पास वाई प्लस दिस डिस्टेंस। ओके, तो यहां लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू वाई प्लस μ/y डैश, ठीक है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस है μ/y डैश, अभी हमने निकाला है। और टोटल डिस्टेंस क्या है, कौन सा डिस्टेंस है ये? तो फिश के रेस्पेक्ट में, फिश जो देख रहा है बर्ड को, वो वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको चलो वाई बोल देते हैं, कैपिटल वाई। तो
यहाँ से हो जाएगा स्मॉल वाई प्लस 4/3 इंटू वाई डैश। अब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी कैपिटल वाई बाई डी टी बराबर डी वाई बाई डी टी प्लस 4/3 डी वाई डैश बाई डी टी। ठीक है, दिस इम्प्लॉयज ये क्या है, ये वेलोसिटी, ये स्पीड है किसका, बर्ड का, बर्ड, हाँ बर्ड का विद रिस्पेक्ट टू फिश। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला है वेलोसिटी ऑफ फिश, वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 4/3 इंटू, और ये क्या है, ये है डी वाई डैश, मतलब ये, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि वाई डैश हमने क्या माना था, एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, किसका, बर्ड का। ठीक है, ग्राउंड या फिर वाटर सरफेस। तो ये हो गया, सब कुछ हमने यहाँ पे रख दिया, आप सबका वैल्यू रख दीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश ये दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, ये चल रहा है ये 12, 12 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8 प्लस 4/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो गया 4 इक्वल टू 4/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये 4 से 4 कैंसिल, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एज शोन इन फिगर ए प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग वाटर। तो ये एक प्लेन मिरर है ऊपर रखा हुआ, जो कि टैंक ये वाटर से भरा हुआ, कितना सेंटीमीटर तक पानी से भरा हुआ, 8 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और ये टैंक कितना है ऊंचा तक है, 50 सेंटीमीटर तक ऊंचा है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है। फिर कह रहा है द हाइट ऑफ वाटर इन टैंक इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब रखा गया है बॉटम पे। द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बल्ब बाई मिरर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक इज, तो इसमें पूछ रहा है कि इस बल्ब का जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो ये मिरर है ना, तो मिरर से के कारण इसका एक इमेज बनेगा, और कहाँ बनेगा, तो मिरर के पीछे बनेगा, यहाँ कहीं पे बनेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना दूरी पर, नहीं, द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बल्ब बाई मिरर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। हाँ, तो मिरर से नहीं पूछ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं बनेगा, यहाँ पे, तो मिरर से नहीं पूछ रहा है, ये बॉटम ऑफ द टैंक से पूछ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करने का एक, अगर हम लॉजिक इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे देखिए ये बल्ब जो है पानी के अंदर है, तो ये तो यहाँ अगर कोई एयर से कोई इंसान देखता है, तो इसको बल्ब को, बल्ब जो है वो बॉटम पे तो दिखेगा नहीं, वो कहीं यहाँ दिखेगा, तो मान लेते हैं वो यहाँ दिखेगा, एपरेंट डेप्थ यहाँ तक दिखेगा। ठीक है, और ये जो मिरर है ये भी तो हवा में है ना, तो मिरर को भी कहाँ पे दिखेगा ये, उसको रियल डेप्थ तो दिखेगा नहीं, अपरेंट डेप्थ दिखेगा। ठीक है, तो मिरर के लिए ये है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये वाला। तो हम पहले ये पता लगा लेते हैं कि इसका अपरेंट डेप्थ कितना होगा। ठीक है, तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है अपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ इक्वल टू μ2/μ1। अब कहाँ से कहाँ लाइट जा रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ लाइट जा रहा है, तो इसको मानेंगे μ1 और इसको मानेंगे μ2। ठीक, तो अपरेंट डेप्थ जो होगा, अपरेंट डेप्थ या इक्वल टू μ2, μ2 कितना, 1, और μ1 कितना है, 4/3, तो 4 ऊपर और 3, नहीं 4 नीचे और 3 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया अपरेंट डेप्थ, और इनटू रियल, रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ कितना है भाई, इसका रियल डेप्थ कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 8, तो 4 से ये कट जाएगा, 2 बार में कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इसका जो अपरेंट डेप्थ है वो 6 सेंटीमीटर, और डेप्थ हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऊपर से ही ना, सरफेस से ही ना, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। अब हम ये पता करते हैं कि यहाँ से लेकर के ये मिरर तक का डिस्टेंस कितना है, तो
देखिए ये टोटल ये यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर, ठीक, और इसको माइनस कर दीजिए, तो 8 सेंटीमीटर अगर माइनस करेंगे 50 में तो कितना हो जाएगा, 42। तो मतलब हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया 42, ठीक, और 42 में 6 और ऐड कर दीजिए, तो जब 6 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48, तो 48 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑब्जेक्ट इसको कहाँ तक दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा मिरर को, 48 सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर अगर इधर दिख रहा है तो यहाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी इमेज कहाँ बनेगा, 48 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 48, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी 48, और उसके बाद बॉटम का हाइट कितना बचा, तो 6 सेंटीमीटर ये है, तो बचा कितना, 8 सेंटीमीटर था ना, 2 सेंटीमीटर बचा, तो 48 ये प्लस 48 कितना, 48 दो ना 96, 96 हो गया ये, और 2 सेंटीमीटर बॉटम यहाँ से यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर, तो 96 और 2 98। तो इसका मतलब जो बॉटम से लेकर के इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 98 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए थिन सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द रॉड इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई द मिरर विल बी एक्स बाई 3 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ एक्सिस। तो इसमें कह रहा है एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बना देते हैं, एक कॉनकेव मिरर है, और उसके बाद इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है, तो फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये रहा 20 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, ओके, तो फोकस रहा यहाँ पे। उसके बाद एक रॉड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। उसके बाद कह रहा है कि इन सच ए वे दैट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो ये रहा पोल, यहाँ से कितने दूरी पर रॉड का मिड पॉइंट है, तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो एफ ये हो गया 20, तो इसका डबल कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, और ये 40 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है रॉड का, ठीक है, तो रॉड कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और इस रॉड का डिस्टेंस लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब यहाँ से ये हो गया 5 और ये भी इधर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज एक्स बाई 3 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज जो बनेगा उसका लेंथ एक्स बाई 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो हम ये पहले पता लगा लेते हैं कि इमेज का डिस्टेंस मतलब इसका इस पॉइंट का इमेज, ठीक है, आगे वाले पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा और पीछे वाले पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसका इमेज मान लीजिए ऐसा कि इसका इमेज कुछ जब भी बनेगा तो कहीं कहीं पे इमेज इमेजिन कीजिए ऐसा ही ना बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो आगे वाला जो पार्ट है उसका इमेज यहाँ बना है और पीछे वाला का यहाँ बना है इमेज, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो इमेज बना तो उसका डिस्टेंस हम पहले ये निकाल लेते हैं, V1, अगर मान लेते हैं कि U1 है, ये वाला U1 है तो इसके लिए V1 निकाल लेंगे, फिर इसके लिए मान लेते हैं कि ये U2 है तो इसके लिए V2 निकाल लेंगे, तो U1 और U2 मिल जाएगा, तो नहीं V1 और V2 मिल जाएगा, तो V2 में से V1 घटा लेंगे, मतलब इतने में से इतना डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक में से इतने में से इतना घटा लेंगे, तो ये वाला इमेज का डिस्टेंस मिल जाएगा, इमेज का लेंथ मिल जाएगा, यही काम करते हैं। तो इसके लिए चलिए ये पता करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये कितना दूरी पर है पोल से, तो वही यू होगा, U1 बोल देते हैं, ठीक है, तो U1 कितना होगा बताइए, तो U1 हो जाएगा हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक है 40 और ये है 5, तो ये कितना बचा, 35, मतलब -35 सेंटीमीटर, और एफ हमको पता है -20 सेंटीमीटर। तो अब हम मिरर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, तो मिरर फॉर्मूला 1/F = 1/V + 1/U लगा लेते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं -20 = 1/V, 1/V और -1/35।
35, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई भी इक्वल टू हो जाएगा 1/35 माइनस 1/20, एलसीएम लेंगे 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 35 दूना 70 माइनस, नहीं 70 नहीं 140 ना, 140, 70 नहीं तो 140, तो ये कितना होगा 35 चौक 4 बार में 4 और माइनस यहाँ ये कितना होगा 70 7, ठीक है। तो ये कितना आ गया -3/140, तो भी इक्वल टू हो गया, भी वन इसको बोल देते हैं, भी वन इक्वल टू हो गया -140/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला अब इसका निकाल लेते हैं, ये यू टू मान लेते हैं इसको, तो यू टू इक्वल टू है यहाँ से यहाँ तक 40 है मिड पॉइंट से और ये 5 है, तो 45 -45 सेंटीमीटर, -45 सेंटीमीटर, एफ पता है -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से फिर से मिरर फॉर्मूला यूज कीजिए, तो 1/V2 हो जाएगा कितना, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/45 - 1/20, इसको सॉल्व करेंगे तो 45 90 नहीं 180 हो जाएगा, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 4 माइनस, ये कितना 9 9 है ना, तो ये कितना हो गया -5/180, तो V2 इक्वल टू हो गया 180 - 180/5, और ये कितने बार में कटेगा, 5 3 15 6 5 30 यानी -36, ठीक है, -36 सेंटीमीटर हो गया, V1 निकल गया, V2 निकल गया। अब सिंपली ये मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक V1 है और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा V2 है, तो V2 - V1 कर देते हैं, आपको आंसर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया -36, डायरेक्ट माइनस को हटाइए, माइनस का कोई ज़रूरत नहीं है, 36 माइनस कितना 140/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 3 18 8 3 3 9 1 10, 108 - 140/3, तो ये माइनस में आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका मतलब कि ये ज़्यादा था और ये कम था, ठीक है, तो हमको इससे इसमें माइनस करना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 32 - 32/3, तो माइनस को हटाइए तो एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, एक्स इक्वल टू 32, ठीक है आंसर।